तहसील में फिरूटी तालाबों की बेईमानी और अतिक्रमण मुक्त करने की मांग। भारतीय मजदूर किसान यूनियन ने जिलाधिकारी सीतापुर के नाम सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोर ध्वज एक्सप्रेस RBS7 लाइव न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ, और मैं हूं रवि साहू। मेरे साथ हैं सह संपादक छत्रपाल मौर्य। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। सीतापुर के सिधौली कस्बे में मौजूद तालाबों का प्रकरण विधानसभा से लेकर प्रमुख सचिव तक पहुंच चुका है, मगर जांच के नाम पर अतिक्रमण कार्यों का आज तक कुछ नहीं हो सका। सिधौली तहसील संबंधित भ्रष्टाचार की खबरें समाचार पत्रों में आम बात है। आए दिन कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलता है, उसके बाद भी जैसे जिम्मेदारों के कान पर चू तक नहीं रिंगती। एक और सूबे के सूबेदार का बुलडोजर अतिक्रमण पर कहर की भांति चल रहा है, तो दूसरी ओर सिधौली तालाबों के प्रकरण में आज तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो सकी। कई महीनों से सिधौली कस्बे में कागजों पर मौजूद तालाबों की संख्या में लोगों को चौंका दिया। सिधौली तहसील में जमीन पर मौजूद लगभग 4 से 5 तालाब ही दिखाई देते हैं, मगर जब सरकारी दस्तावेजों की बात करें तो लगभग 50 तालाब कागजों में दर्ज हैं। अब सवाल यह उठता है कि सिधौली में ही थाना, तहसील, ब्लॉक, टाउन एरिया होने के बाद भी आखिर यह तालाब कहां गए? क्या जिम्मेदारों के संरक्षण में ही तालाबों पर कब्जा करा दिया गया, या नेशनल हाईवे पर मौजूद कस्बे के जमीन की बड़ी कीमतों ने सबको खरीद लिया? कुछ भी हो, सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि तालाब प्रकृति में फेफड़े के समान काम करते हैं, इनका स्वरूप किसी सूरत में नहीं बदला जा सकता। इसके बाद भी दर्जनों तालाबों की गायब होना या दर्शाता है कि प्रकृति और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रति सीतापुर के तहसील सिधौली के अधिकारी और कर्मचारी कितना सजग और सम्मान करते हैं। भारतीय मजदूर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मराज पाल ने मानिकापुर सीतापुर रोड में आयोजित एक जनसभा में सीतापुर जिलाधिकारी के नाम दिया ज्ञापन।